फाइनली दोस्तों आप लोग के लिए ऐसा एप्लीकेशन लेकर आ चुका हूँ जहाँ से दोस्तों अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो ना तो दोस्तों आप लोग ज़िंदगी भर कमा सकते हो पैसा। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोग सही में अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, फिर देखना दोस्तों आप लोग दो चार दिन काम करके देखना, आप लोग दोस्तों ऑटोमेटिक आप लोग पैसा कमाने लग जाओगे। फिर दोस्तों आप लोग ज़िंदगी भर पैसा कमाओगे इस एप्लीकेशन से। तो दोस्तों कौन सा एप्लीकेशन है उसके लिए दोस्तों आप लोग को वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों आप लोग को बताते हैं पूरा प्रोसेसिंग ताकि दोस्तों आप लोग को समझ में आ जाए। तो दोस्तों एप्लीकेशन का नेम आ जाता है YouTube। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों YouTube ऐसा एप्लीकेशन है दोस्तों आपकी ज़िंदगी भर आपको पैसा दे सकता है। क्योंकि अगर दोस्तों आप लोग इस एप्लीकेशन में काम करते हो ना तो बस आप लोग को क्या करना पड़ता है, बस आप लोग को वीडियो अपलोड बस करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को सिर्फ YouTube में वीडियो अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक आप लोग पैसा कमा लेते हो इस एप्लीकेशन में। तो दोस्तों चलिए आप लोग को वीडियो कैसे बनाना है, फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग वीडियो कैसे अपलोड करोगे वो सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। फिर दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो सब कुछ आप लोग को मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो कैसे बनाओगे उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब में आप लोग को वीडियो बनाने के लिए आप लोग को करना क्या पड़ेगा कि दोस्तों अपने दिमाग में आप लोग खुद सोचो कि दोस्तों मैं क्या वीडियो बनाऊं, आपके अंदर क्या ऐसा टैलेंट है दोस्तों जिसे दोस्तों आप लोग वीडियो बनाकर बता सकते हो कि दोस्तों ऐसे में ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप लोग एक बार सोच कर बस देखो कि दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसे बनाना है, उसके बाद दोस्तों आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को वीडियो बनाना है, उसके बाद दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आप लोग जैसी वीडियो बना लोगे ना उसके बाद दोस्तों आप लोग को एडिट करना पड़ेगा। तो आप लोग को एडिट कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को सिंपल सा आप लोग को एप्लीकेशन तीन चार प्रकार के एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिससे दोस्तों आप लोग एडिट कर सकते हो अपने वीडियो को। तो दोस्तों पहले सबसे पहले आप लोग सोच लेना कि दोस्तों आप लोग को क्या वीडियो बनाना है। ठीक है, वो दोस्तों आप लोग जब वीडियो बना लोगे ना उसके बाद दोस्तों आप लोग को मैं बता रहा हूँ उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसके बाद दोस्तों बहुत ही आसानी से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो उस एप्लीकेशन से। तो कौन सा एप्लीकेशन है चलिए बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मिल जाते हैं कैनमास्टर। कैनमास्टर इतना आसान एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों अपने वीडियो को आप लोग बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हो HD क्वालिटी में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोग को हर फीचर मिल जाते हैं दोस्तों जहाँ से आप लोग वीडियो को अपने एडिट कर सकते हो। दोस्तों कैनमास्टर एप्लीकेशन की जानकारी और चाहिए तो दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कैनमास्टर से एडिट कैसे करें। आप लोग को बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे जिससे दोस्तों आप लोग देख कर बहुत ही आसानी से सीख सकते हो और दोस्तों अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो। और दूसरे एडिटर एप्लीकेशन का नेम आ जाता है दोस्तों पावर डायरेक्टर। पावर डायरेक्टर से भी दोस्तों हम लोग अपने वीडियो को बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं और दोस्तों अपने वीडियो को HD क्वालिटी में सेव करके दोस्तों यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे एप्लीकेशन की। तो दोस्तों KeepCut यहाँ पर देख सकते हो इसका नेम है दोस्तों KeepCut। इससे दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से दोस्तों आप लोग एडिट कर सकते हो, मतलब दोस्तों जो तीन एप्लीकेशन बताया ना तीनों एप्लीकेशन से आप लोग बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हो अपने वीडियो को और दोस्तों YouTube में आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, दोस्तों जब आप लोग वीडियो बना लिए एडिट कर लिए उसके बाद दोस्तों आप लोग को YouTube में वीडियो अपलोड कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपलोड ए वीडियो के ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर दोस्तों बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों अपने ग्लेरी से आप लोगों को क्या करना है, अपने ग्लेरी से दोस्तों एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। अपने वीडियो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग को बहुत ही आसानी से आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, उस पर जैसे क्लिक करते हो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोग को मिल जाते हैं टाइटल। यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को दोस्तों यहाँ पर टाइटल पे कुछ भी लिख देना है, मतलब दोस्तों जो वीडियो बनाए रहोगे ना उसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आप लोग को टाइटल लिख देना है। ठीक है, जैसे ही टाइटल लिखते हो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन की। यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन आप लोग को अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, आप लोग को डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख लेना है। जैसे दोस्तों अच्छे से आप लोग डिस्क्रिप्शन को लिख लेते हो
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग को यहाँ पर मिल जाते हैं पब्लिक एनालिस्ट का ऑप्शन। आप लोग दोस्तों सीधा डायरेक्ट अगर आप लोग अपलोड करना चाहते हो तो पब्लिक करके अपलोड कर सकते हो, अगर दोस्तों आप लोग बाद में अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर एनालिस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पर व्यू आए चाहे मत आए, आप लोग को सिर्फ एक बार अपने चैनल को आप लोग को मोनेटाइज करना है। जी हाँ दोस्तों, अपने चैनल को एक बार आप लोग को मोनेटाइज करना है। जैसे ही मोनेटाइज कर लेते हो, व्यू आए या मत आए दोस्तों, आप लोग को पैसा मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। बस एक बार आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दोस्तों आप लोग को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।